मॉर्निंग एवरीवन, मैं पूजा यादव बींग ऑर्गेनिक से जैविक खेती और बागवानी में आपकी साथी। दोस्तों, ये मेरी यूनिट का पार्ट टू है जिसमें मैं आपके साथ में लगातार अपडेट शेयर कर रही हूँ। बेड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है, तो बेड्स प्रिपेयर कर पार्ट वन में मैंने बताया था कि जगह का समतल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी सेकेंड में मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे जो बेसिक स्टेप होता है वो आपका होता है तिरपाल को बिछाना, और उसके बाद में जो ठंडा गोबर आपने किया है उसके लगातार बेड्स बनते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, बेसिकली ये तिरपाल है। इस तरीके की ब्लैक, ब्लू, वाइट, आप कोई भी तिरपाल का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके बजट में प्रॉपर फिक्स बैठे। ये आपके कम से कम 2 साल आराम से निकाल देती है, एक बार का इन्वेस्टमेंट रहता है। फिर इस तरीके के आपके गोबर के बेड्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ये बेड्स की चौड़ाई 3 फीट रखी जाती है और हाइट 1.5 से 2.5 फीट तक की रखी जाती है। लेंथ आप कितनी भी ले सकते हैं, जितना आपके पास अवेलेबल है स्पेस। अच्छा, यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर जो बेड लगेंगे वो पूर्व पश्चिम दिशा में लगेंगे, तभी आपका जो अर्थवॉर्म रहेगा वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा, क्योंकि एरेशन प्रॉपर होगा। इसलिए जब भी बेड लगाएं तो डायरेक्शन का स्पेशली ध्यान रखें कि पूर्व पश्चिम ही आप बेड्स की दिशा निर्धारित करें। तो ये था अब तक का मेरी यूनिट का अपडेट। आगे के अपडेट के लिए साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।